सलाम यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सदी टेक प्रो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्टरनेटिव पेज प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ये एरर अगर आपके गूगल सर्च कंसोल में आया हुआ है तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में आपके बारे में आपको इस कैनोनिकल टैग एरर के बारे में पता चल जाएगा। कैनोनिकल टैग के बारे में काफ़ी सारी मैं लेंथी से एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको स्पेसिफिक एक एरर है, अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ये एरर क्यों आता है, उस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मेरी किस पेज पे इफेक्टेड हुआ है। ये मेरे होम पेज पे इफेक्टेड हुआ है। अगर आप इस पेज इस URL पे गौर करेंगे तो इस एंड पे लिखा हुआ है ?M=1। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, आज की इस वीडियो में ये बताऊँगा और कैसे इस एरर को फिक्स करेंगे, ये डिटेल मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, वो डायरेक्ट चले जाते हैं फिक्स करने की तरफ, तो उनके उनके जो वेबसाइट में ये एरर बार बार आता रहता है क्योंकि वो बार बार ये गलती करते रहते हैं। इसलिए आप अगर आपको इस एरर का पता चल जाएगा तो आप बार बार उस एरर की गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो शुरू करने वैसे करने से पहले आपसे जो चीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके आप रखना है ताकि आने वाले तमाम वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे ?M=1 इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है, ब्लॉगर पे, अल्बर्टा वर्डप्रेस पे है, तो आपके जो URL होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप PC के हिसाब से होते हैं, एक मोबाइल्स के URL होते हैं। जो मोबाइल्स के URL होते हैं, अगर आप अक्सर उनको अगर आप कॉपी करके पेस्ट करने गए तो अगर आप वहाँ देखें तो आखिर उनकी उनके URL के एंड पे ?M=1 लिखा हुआ होता है। तो अगर आप सिंपली डेस्कटॉप या PC पे अगर आप अपना URL कोई भी वेबसाइट की कोई पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने सिंपल सा URL लिखा होता है, ?M=1 नहीं लिखा होता। तो इस वजह से क्या होता है, जो गूगल का क्रोल जो होता है, गूगल वो दोनों एडर जो दोनों जो होते हैं URL को, उनको दोनों को क्रोल कर लेता है, लेकिन उनको इंडेक्स करते हुए उसको काफ़ी मसला हो जाता है। अब उसको समझ नहीं चलती कि वो इस पेज को इंडेक्स करें या उस पेज को इंडेक्स करें, क्योंकि उसके सामने एक अल्टरनेटिव पेज मौजूद होता है, मीन के अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग एक मौजूद होता है। तो उसको समझ नहीं चलती कि वो इस एरर को यू इंडेक्स करे या उस एरर को इंडेक्स करे। तो उसको बता प्रॉपरली हमें गूगल के क्रोल को हमें बताना पड़ता है कि हमें इस ये URL हमारा, ये हमारा ओरिजिनल URL है, हमें इसको इंडेक्स करवाना है। तो आप क्या करेगा, URL गूगल सर्च कंसोल उसको अगर बगैर बताए हमें पूछना कि तो शायद हमारा वो डुप्लीकेट URL को इंडेक्स करवा दे, तो इस वजह से हमारा डुप्लीकेट एरर आ जाता है। देखिए आपकी एक एरर की वजह से दूसरा एरर पैदा हो जाता है। जब आपका डुप्लीकेट एरर आ जाएगा ना तो आपका रीडायरेक्ट का एरर भी आ जाएगा। इसका मतलब एक एरर की वजह से आपका अगर क्रॉल नहीं किया तो क्रॉल नॉट इंडेक्स का एरर आ गया, जब उसने इंडेक्स नहीं किया तो अल्टरनेटिव पेजेस का एरर आ गया। क्यों, एक ही एरर की वजह से ये एरर आया कि अल्टरनेटिव पेज उसने यूज़ किए, कैनोनिकल टैग का एरर आ गया। अगर उसने डुप्लीकेट का हुए एरर को इंडेक्स करवा दिया तो डुप्लीकेट का एरर आ जाएगा। तो अगर उसने डिस्कवर तो कर लिया लेकिन क्रॉल नहीं किया तो डिस्कवरी नॉट इंडेक्स का एरर आ जाएगा। तो हर जो URL होते हैं, हर एरर होता है, उसको आपस में लिंक होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही URL होता है, उनमें चारों एरर आए होते हैं, ये मेन एरर है। इन एरर को फिक्स करना पॉसिबल है, यही बात है। आप एरर को अगर गलती ना करें, ये बात ये आप नहीं कह सकते आपके सामने एरर नहीं आएगा, 100% चांसेस हैं कि एरर आएगा। हर किसी को एरर आता है, ये बड़े से बड़े यूट्यूबर को लेकर, बड़े से बड़े ब्लॉगर से लेकर, छोटे से छोटे ब्लॉगर को लेकर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके आपने एरर को फिक्स किया है, उसके बाद उस एरर के पीछे ना पड़ जाएं आप, इन सब एरर के मेन एरर फिक्स कर दें, इन एरर के पीछे ना पड़ जाएं। हाँ, आगे आप इन एरर से बचने की कोशिश करें, लेकिन आपके कोई भी इंडेक्स नहीं हुआ तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आपके कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं हुई, अगर आपने 50 से 60 पोस्ट चली दी है और आपकी सिर्फ 10 या 9 पोस्ट इंडेक्स होंगी, तो आपकी कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ब्लॉगिंग का, आपकी बार बार पोस्टें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कहता हूँ सबसे पहले आप इंडेक्सिंग करवा लें, अपनी पोस्ट प्रॉपर करके लिख कर फिर पोस्ट करें, जो जो आपकी पोस्ट लिखी हुई हो आपके 24 घंटों के अंदर इंडेक्स हो जाए, तो फिर आप अगली पोस्ट लिखें। आप अगर इंडेक्स ही नहीं हो रही पिछली, अगर आप लिखते जा रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है उस पोस्ट का। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसको एरर को क्यों आता है, मैंने आपको बता चुका हूँ।
अब इसको फिक्स करने का तरीका आपके सामने ऑलरेडी मैं काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो में आपको दोबारा भी बता रहा हूँ। मैं मेरे वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, सॉलीटेक वन पे जाएँ मेरी वेबसाइट पे, तो एरर का फिक्स करने का तरीका पढ़ा हुआ है। तो उस एरर को फिक्स करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपली क्वेश्चन मार्क एम इज इक्वल टू अल्टरनेटिव पेज है सिंपली हमारा होम पेज का। आपने सिंपली गूगल में जाना है, गूगल में लिख देना है रियल कॉलोनी का यू आर एल जनरेटर। ये लिखेंगे आप सामने फर्स्ट पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस वेबसाइट को आपने सिंपली ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ हिस्सा का टैब ओपन होगा, आपने क्या करना है आपका जिस यू आर एल पे जो एरर आया हुआ है आपने उसको एरर को कॉपी कर लेना है, उस लिंक को सॉरी कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आप सामने ये लिखा हुआ इंटर द ओरिजिनल पेज यू आर एल, यहाँ पर आपने वो यू आर एल पेस्ट कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जी गेट कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ नीचे भी आपको सामने एक कोड जनरेट करके दे देगा। कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सामने एक कोड है सिंपली वो जनरेट करके देना चाहिए इसको। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंटरनेट थोड़ा इशू हो सकता है। तो ये जो ही हमें जनरेट करके दे देगा, हम यू आर एल को कॉपी करेंगे तो अपनी वेबसाइट में इसको पेस्ट करेंगे। तो ये सिंपली हमारे सामने एक इसने पेस्ट का यू आर एल जो जनरेट कर दिया, इस हम करेंगे सिंपली कॉपी। तो जो इस यू आर एल को हम कॉपी करेंगे इस टैप को, चलो हम क्लोज कर देते हैं, इस टैप की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम चले जाते हैं ब्लॉगिंग की सेटिंग की तरफ, अपनी ब्लॉगिंग की तरफ जो ब्लॉगिंग की आपकी सेटिंग है उस पर जाने के बाद आपके सामने थीम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। थीम के ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे कस्टमाइज के साथ एक एरो का बटन नज़र आ रहा होगा। आप अपने नेक्स्ट स्टेप करने से पहले अपनी वेबसाइट का आदमी बैकअप ले लेना है, ताकि आपके सामने कोई एरर आ जाए तो आप उसको फिक्स कर सकें, दोबारा आपको रिस्टोर कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने एच टी एम एल के ऑप्शन पर चले जाना है डायरेक्ट उसके बाद। तो एच टी एम एल के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने आपकी जो वेबसाइट की तमाम जो एच टी एम एल कोड है वो सामने आपके सामने शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है वो मैं आपको सामने शो करने जा रहा हूँ। वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा, बाद में आप कमेंट करेंगे तो आपसे वीडियो फेक है। इसलिए कहता हूँ वीडियो को तहम्मुल के साथ देखें, वीडियो आपकी 10 मिनट हो जाती है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए हो जाती है, आपकी ब्लॉगिंग के फ्यूचर के लिए होती है। इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकाल के एरर के बारे में सोच के सर्च करके उसके बाद वीडियो बनाता होता हूँ। इसलिए मैं एक एरर के ऊपर 3 3 4 4 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डे बाय डे मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर हर एरर एक ही एरर को फिक्स करने के काफ़ी तरीके आ चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर तरीका आपको पता चले और आप हर तरीके में से एक एक तरीका इस्तेमाल करें और उनमें तरीकों में से कोई एक तरीका भी आपकी वेबसाइट के लिए फ़ायदेमंद हो सके। मैं चाहता हूँ कि आप भी ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो सकें, इसलिए आप इस ब्लॉगिंग में ये कुछ एरर ना आए। तो सिंपली आपने यू आर एल का किया होगा, थोड़ा इंटरनेट के इशू की वजह से मैं आपके सामने थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन चलिए हमारे सामने जब तक आता है हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो हमारे सामने जो ही एक एच टी एम एल कोड आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपको पता होगा यकीन क्या करना है आपने। जो आपने यू आर एल कॉपी किया था वो आपने हेड टैग के बराबर नीचे पेस्ट कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, लेकिन साथ साथ आपको बता देता हूँ अगर आपकी वीडियो बाकी वीडियो देखने से बच जाएँ आप। आपने सिंपली जो हेड कॉपी किया होगा हेड टैग के नीचे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली ये सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, सेव के ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपने ले लेना कोई एरर तो नहीं आया, देन आपने दोबारा चले जाना है पेज इंडेक्सिंग की तरफ। यहाँ पे आप सामने लिखा होगा वैलिडेट का ऑप्शन, आपने सिंपली वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपकी वैलिडेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगी। तो ये हम स्टेप कर लेंगे सिंपली। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये मैंने ओपन कर लिया है, मैं आपके सामने शो भी करा देता हूँ कि कहाँ आपने पुट करना है। ये हैड टैग आपको नज़र आ रहा होगा सिंपली, इस हैड टैग के बराबर आपने नीचे जो है ये आपने कोड जो है पेस्ट करना है, हैड टैग के बराबर ये मैंने कोड पेस्ट किया हुआ है। आपने यहाँ पे हैड टैग के बराबर नीचे ये वाला कोड पेस्ट कर देना है, ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया हैड टैग के बराबर नीचे। देन आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो एरर है सिंपली ये 1 वीक के अंदर अंदर जो है फिक्स हो जाएगा। तो आपने जैसे ये सिंपली काम करना होता है। तो इसके अलावा भी अक्सर कोई एरर आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो आपके सामने प्रॉपर एक एक बंदे के लिए मैं पूरी वीडियो बना लेता हूँ, बाद में अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो ये इसमें मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, ये आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है ठीक है। तो आप मुझे बता दिए कॉमेंट कौन सा एरर आता है, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, जस्ट सिंपली सी ये बात है। तो आप इसमें जल्दी दीजिएगा,
फिर मिलेंगे डेविड की तरफ से अभी के लिए।